हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का करंट अफेयर के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज है 23 मई। तो 23 मई 2020 को क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हमारी इंडिया में, अंतर्राष्ट्रीय और जो भी खेल जगत से जितनी भी खबरें हैं आज हम देखेंगे। 23 मई को क्या क्या खबरें आई हैं। इसके अलावा UPPSC मेंस, MPPSC मेंस और जो UPPSC प्री के एग्ज़ाम होने वाले, सबसे रिलेटेड वीडियो मेरी चैनल पे चल रही हैं। तो एक बार मेरे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम चलते हैं 23 मई 2020 को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखते हैं आज। सबसे पहली खबर, आप लोग ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये हमें बताना है, इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस 10 जनवरी, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जैव विविधता दिवस को प्रकृति और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य, ये आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप मेंस में ये आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। प्री का आप सॉरी इसमें हेडिंग डाल सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था 22 मई को और इसका उद्देश्य ये था कि जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान करना, इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधि, पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके ना होने से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। तो ये मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ऐसे साथ के साथ प्री के साथ मेंस की भी तैयारी ऐसे ही करते चलिए, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ, नहीं तो ऑप्शनल क्वेश्चन करा के छोड़ दे, इससे कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों का। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने परसेंट की कटौती की घोषणा की है। तो RBI ने घोषणा की है 0.4% की कटौती की घोषणा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया है। पहले रेपो रेट 4.4 था, अब जो कि 4% हो गया है। कोरोना वायरस संबंधित उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीने में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। RBI गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 मार्च और दूसरी कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की थी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा भी की है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत, 3.75% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया गया है। तो रिवर्स रेपो रेट कर दिया गया है 3.35%। ये देख लीजिए, बैंक जिस दर पर RBI के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये आपका मेंस का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है यहाँ पर। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने के अनुसंधानकर्ता ने अल्जाइमर की वजह से, अल्जाइमर एक रोग होता है, की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तकनीकें विकसित करने का दावा किया है। तो IIT गुवाहाटी ने ये दावा किया है। तो IIT गुवाहाटी ने अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। IIT गुवाहाटी के 4 सदस्यों वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी फ्लू, जिसे सीजनल इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो ये किया है हरियाणा की राज्य सरकार ने।
कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं, वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू की संभावना से हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती हो गई है। और इस चुनौती के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल है। तो ये सारे कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फन जो तूफान आया हुआ है, जो साइक्लोन अम्फान आया हुआ है, के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ का कोष गठित किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 1000 करोड़ के रुपए का फंड गठित किया है। और ये तूफान बहुत ही मतलब हाई लेवल पे आया है, 180 किलोमीटर की तो इसकी स्पीड थी, तो ये काफ़ी आप सोच सकते हैं कि कितनी हानि की होगी इस तूफान ने। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। कलकत्ता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफानों से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले बैंकिंग और किसी भी एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा, गोविंदा राजलू चिटल्ला और प्रकाश महादेवा। तो इसका करेक्ट आंसर है गोविंदा राजलू चिटल्ला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजलू चिटल्ला को, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति होती है वो करती है नाबार्ड के अध्यक्ष का गठन जो भी होता है, तो उसके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपने सेवानिवृत्ति पद तक बने रहेंगे। वर्तमान में जो थे वो हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चीन, क्योंकि इस समय चीन और अमेरिका में थोड़े क्लैश चल रहे हैं, तो उसकी वजह से अमेरिका ने ये कदम उठाया है। तो सीनेट ने सर्वसम्मति से विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन हॉलैंड ने पेश किया था। इसके तहत कंपनियों को ये स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। कंपनियों को ऑडिट जमा करना होगा, जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटेंट ओवरसाइट बोर्ड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मई को, अभी 2 दिन पहले बीता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और चाय की खोज चाइना में ही की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बस 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और इसके सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी गई थी। भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और ये सब जो देश हैं ये चाय उत्पादक हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो उत्पादकों साल में 15 दिसंबर को भी मनाया जाता रहा है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। तो ये की है 29 मई को, 25 मई को, 5 जून को या 1 जुलाई को। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 मई को, 25 मई को दोबारा से उड़ानें शुरू होंगी। मंत्रालय ने कहा कि हवाई किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा वही निर्धारित करेगा और विमानन कंपनियों को कोविड-19 की इस महामारी के दौर में इनका पालन करना होगा। उसने कहा कि शुरुआत वाले दिन 25 मई को सीमित परिचालन लगभग 1/3 की अनुमति होगी, और मंत्रालय ने कहा यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुँचना पड़ेगा और वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी 23 मई की, वो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ऐसे ही डेली मैं करंट अफेयर्स लेकर आती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।